जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम फुमियो किशिदा की सोमवार को जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों नेता दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने बाल बोधि वृक्ष पर पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष को पार्क और बाल बोधि वृक्ष के बारे में बताते हुए दिखे। दोनों नेताओं ने पार्क घूमा और उसके बाद पीएम किशिदा ने बुद्ध जयंती पार्क में गोलगप्पे, लस्सी और आम पन्ना का लुत्फ उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम किशिदा अपने हाथों से मथनी चलाते हुए भी दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर आम पन्ना पिया और चर्चा की। इससे पहले दिन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा कि फुमियो किशिदा की ये यात्रा दोनों देशों का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। पीएम ने कहा कि पिछले एक साल में हम कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है।